राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हो जाए, ऐसा करने के लिए इन लोगों ने 2017 का जो यूपी का चुनाव था उस चुनाव में गड़बड़ी का प्लान बनाया और चुनाव में गड़बड़ी के पहले नोटबंदी का कार्यक्रम किया। आप सभी लोगों को मालूम होगा नोटबंदी में सभी लोग परेशान हुए थे और बैंकों के लाइन लगा लगा कर चक्कर लगा लगा के परेशान हुए थे। जब देश भर से लोग परेशान हुए तो जनमत नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में था। उन लोगों ने सोचा अगर हम 2017 के चुनाव में गड़बड़ी करके घोटाला करके सरकार बनाएंगे तो देश के लोग इससे सहमत नहीं होंगे कि गड़बड़ी करके ये सरकार बनी है। यहाँ जो उपस्थित लोग हैं जेल जाने के लिए तैयार है, हम लोग सभी लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्य बंद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये फड़फड़ाहट क्यों है उसका कारण है अगर हम जो गलत काम करने वाले लोग हैं उसको एक्सपोज कर रहे हैं, इसलिए फड़फड़ाहट है। इधर कुछ होगा तो उधर भी शुरू हो जाए। हम पुरानी हम ईवीएम में घोटाले की बात कर रहे हैं, मीडिया क्यों प्रचारित नहीं कर रहा? ये सच्ची बात हम कर रहे हैं, इसको मीडिया राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं दिखा रहा? दिखा जो रहा है तो वो केवल मात्र क्षेत्रीय स्तर पर दिखाने का काम कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दिखाया जा रहा। यानी आपकी आवाज को ये जो इश्यू है, ये जो मुद्दा है, राष्ट्रव्यापी मुद्दा है और राष्ट्रव्यापी मुद्दे को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।